नेशनल कमीशन मोनिटीज के मेंबर रेंचेन लंबू ले आज हरिद्वार पहुंची, जहां वे ज्ञान गोदी गुरुद्वारा में सिख समुदाय के लोगों से मिली। आपको बता दें कि पिछले 35 वर्षों से लगातार सिख समुदाय हरिद्वार में ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की मांग करता रहा है। वहीं गुरुद्वारे को लेकर जगह नहीं मिलने के कारण सिख समुदाय लगातार आवाज उठाता जा रहा है और पिछले कई वर्षों से हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम पर उनका धरना प्रदर्शन भी लगातार जारी है। उत्तराखंड की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को भी वह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक गुरुद्वारा बनने का मार्ग स्पष्ट नहीं हो पाया है। ऐसे में आज नेशनल कमीशन की मेंबर ने कहा कि दोनों सरकारों से बात कर जल्द ही ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा का मसला हल किया जाएगा। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। यहाँ पर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही साथ यहाँ का जो इशू है, कई सालों से गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी का मसला जो है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में भी ये फाइल आए हुए हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे चेयरमैन सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी के आदेश अनुसार मैं यहाँ पर विजिट के लिए आई हूँ। बड़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है, बड़ी अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और उन्होंने तो ये बात कही है कि कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो सके। तो उम्मीद है ये मसला जो है इनकी कृपा से और जो ये व्यूज देंगे उसके साथ जल्दी जल्दी हल हो जाए। कि आपने पहले मेरे कई इंटरव्यू लिए हैं, मैंने उसे बताया है कि सर उसमें पोलिटिकल की वजह से, पोलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ये रुका हुआ है और अगर वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हट जाए तो इसके बंदे में कोई एयर नहीं है।